सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं स्कूल के लिए हो रही हूँ रेडी, और चाय वगैरह मैं पी चुकी हूँ, और थोड़ा सा मेरे पास समय था तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आपसे बातें, क्योंकि 2 दिन के बाद 2 दिन की छुट्टी थी बीच में, और अब स्कूल खुला है। आज तो शनिवार है और जाना तो है ही, और देखिएगा अभी कैसे आज पूरा दिन निकलता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे पता नहीं चल पाता कि हम आज पूरे दिन भर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। और मौसम ने भी अपनी दस्तक दे दी है, सुबह जो थोड़ी बहुत ठंड हो रही है वो स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की सी, मतलब नहाने के बाद ठंड लगने लगी है। और मैंने कहा चलो कर लेती हूँ वीडियो की शुरुआत, क्योंकि जब हम सुबह, वही वाली बात की, अगर हम सुबह स्टार्ट नहीं करते हैं तो पूरा दिन ही ऐसे ही जाता है। कल मैंने आप लोगों को अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाया था, क्योंकि डेली दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, और डेली दिखाना पॉसिबल नहीं होता है तो इस चक्कर से जिस दिन मेरा छुट्टी होती है स्कूल की तो उस दिन थोड़ा बहुत मैं दिखा पाती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना बिजी शेड्यूल होता है। और घर के अंदर हम लोग बहुत सारे लोग हैं, पूरी फैमिली हमारे साथ रहती है, तो कभी कोई आता है कभी कोई जाता है, और बहुत ही प्रॉब्लम होती है शूट करने में, क्योंकि बाहर का भी अच्छे से नहीं दिखा पाते। बस ये ऐसी ऐसी जगहें बनाई हुई हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा एकांत रहता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है आने जाने का, तो हम थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। और बताइएगा आप लोग कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग, और थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करती हूँ मैं, थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जितना हो पा रहा है अब मैं उतना ही कर पा रही हूँ, क्योंकि जितना सोचती हूँ उतना कर नहीं पाती हूँ। और तबीयत भी कुछ थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अब जब मौसम चेंज होता है तो नज़ला जुकाम वगैरह ये तो शुरू हो ही जाता है। आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ कुछ बैठी बैठी सी लग रही है, और जो भी कमी बेसी होती है, जो भी किसी तरीके के भी आपको मतलब वीडियोस देखनी हो तो प्लीज़ बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके आपका जो भी मतलब आपका जिस तरीके का भी मन होगा उस तरीके की कोशिश करेंगे बनाने की, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस वीडियो आते हैं वो मेरे बस की नहीं है, और इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ उन्हें। और मैं इसी तरीके के रूटीन और थोड़ा बहुत ऐसे वैसे मतलब ऐसे 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 मतलब ये है कि अपने ही दिनचर्या यही शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बाहर अभी खुल के नहीं जा रहे हैं, और जब जाएंगे तब वो भी दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी भी मौसम और थोड़ा सा बाहर का जो माहौल है अभी एकदम सुधरा नहीं है। और बस अब चलती हूँ स्कूल के लिए, सब कुछ तैयार है, रेडी हूँ, और बैग उठाना है और चलना है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कर लेती हूँ आपके साथ बातें। पूरा दिन मेरा अच्छा हो जाता है जब मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, मुझे इससे निश्चिंत हो जाती हूँ कि हाँ आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, और जब ब्लॉग स्टार्ट हो गया है तो उसका एंड भी बहुत अच्छे से होने वाला है, तो बस यही रहता है और खुशी सी मन में रहती है पूरे दिन भर, क्योंकि हमने अपना एक जो रूटीन यहाँ बनाया है ना, तो उसमें ये लगता है कि जो सामने वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको देख कर बातें कर रही हूँ, और बिल्कुल पहले ऐसा लगता नहीं था, लेकिन अब ये लगता है कि हाँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे मुझे देखने वाले हैं, वो सब यही मुझे लगता है कि सब मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं उन्हीं से ही बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बात मतलब बिल्कुल वैसे के वैसे ही उनके तक पहुँचने वाली है, कोई मिलावट नहीं होती, मेरे वीडियोज़ मेरी जो ब्लॉग होते हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती है। मिलावट से मतलब ये है कि मतलब कुछ कर दिया कुछ दिखावा कर दिया, क्योंकि मेरे को उस दिखावा करने का भी टाइम नहीं होता है, सिंपली जो मैं करती हूँ वो मैं सेम का सेम ऐसे ही डालती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और बाकी तो सब ठीक चल रहा है, तो अभी इतनी सी बात है, क्योंकि हो जाऊंगी लेट, लग जाएगा फटक, और जब फटक लग जाएगा तो बस आपको पता ही है 15 से 20 मिनट मेरे ख़राब हो जाने हैं, और अभी भी स्कूल 8:30 का है, लेकिन मुझे 8 बजे तक निकलना पड़ता है हर हालत में, क्योंकि हम मौसम कह रही हूँ, ये ट्रेन का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो जाती है, और उसके बाद जो इसका जो जाम का रहता है, और किस टाइम पे लग जाए फटक वो बिल्कुल निश्चित नहीं है। और जब मालगाड़ियाँ होती है ना, वो तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि आते हुए स्टेशन की तरफ अगर प्लेटफार्म खाली नहीं मिल रहा है तो वो तो वहीं रुक जाती हैं, और उसके बाद उसको क्रॉस करने का कोई रास्ता ही नहीं होता। अब हमारे बस कई लोग क्या करते हैं,
उसके नीचे से भी निकल जाते हैं, या उसको ऊपर से रास्ते जो होते हैं मतलब थोड़े थोड़े से डिब्बों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें से निकल जाता है, लेकिन हमारे बस का तो वो भी नहीं है। और फिर ना बेचारा रिक्शे वाला किधर से जा सकता है ना किधर से जा सकता है, तो बस वही वेट करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा सुबह का टाइम जो है बिजी रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा रूटीन बनता है अगर मैं सुबह अपना जो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत बातें हो जाती हैं, तो ओके बाय, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं निकल गई हूँ स्कूल के लिए, हूँ रास्ते में, मैंने कहा थोड़ा सा व्यू आपको शेयर करती हूँ यहाँ का, देखिए बाहर का नज़ारा भी। और क्योंकि स्पष्ट नहीं बना पाते हैं, डर लगता है कोई फ़ोन छीन के ना भाग जाए तो इसीलिए जितना हो सकता है उतना ही करने की कोशिश करते हैं रास्ते में। और कुछ दिखाती हूँ आपको डांडिये का व्यू, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपके साथ शेयर किए मेरा। अब आ गई हूँ घर और खाना बनाया है मैंने, आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये देखिए बनाई है चपाती और ये है आलू बैंगन की सब्ज़ी। आलू बैंगन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, और ये सलाद और ये थोड़ा सा रात की सब्ज़ी रखी हुई थी बंद गोभी की, और मैंने कहा चलो ये भी हम लोग ख़त्म कर लें इसे। और तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। ओके बाय बाय, गुड डे।